हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेन सिंह, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीअरेंज द सेंटेंस। हाई स्कूल सिलेबस में ग्रामर का टॉपिक है जिसमें जंबल वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में एडजस्ट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो आइए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आइए, इन सेंटेंस या कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो ऑर्डर जिनका अलग अलग है या जो डिसऑर्डर में है, उनको हमको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्डर में व्यवस्थित करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो यहां पे हम देखते हैं ऑन संडे प्ले वी मैच क्रिकेट एवरी, ये वर्ड्स दिए गए हैं। तब जब आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाया गया है, उनमें आपको सब्जेक्ट छांटना और प्रेडिकेट छांटना अलग अलग बताया गया। सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट मेंटेन कर लेते हैं, सब्जेक्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रेडिकेट को व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है। ऑन संडे प्ले, सब्जेक्ट हमारा क्या मिल रहा है, वी। वी हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे वी। और अब हम देखते हैं कहीं सब्जेक्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो हमें नहीं मिल रही यहां। तो हम देखते हैं कोई हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें मिल नहीं रही है, तो हम अब सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट का पोर्शन लिखना शुरू करते हैं। तो प्रेडिकेट हमारी या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी या मेन वर्ब से शुरू होती। यहां इस दिए गए सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुई नहीं है, तो हम यहां मेन वर्ब यूज करेंगे, वी प्ले। वी प्ले और क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच। वी प्ले क्या, क्रिकेट मैच। वी प्ले क्रिकेट मैच। अब बचा क्या आपका, ऑन एवरी संडे। ऑन एवरी संडे वी प्ले अ क्रिकेट मैच, सॉरी, वी प्ले क्रिकेट मैच ऑन एवरी संडे। अब ये जो वर्ड्स थे ये प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित हुए हैं और इनका एक मीनिंगफुल सेंस भी निकल रहा। अब आगे देखते हैं, वाज क्लेवर अ स्टैंडिंग फॉक्स द ट्री अंडर। अब इसमें हमको पहले सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट में हमारा डिटरमिनर हो सकता है, सब्जेक्ट में हमारा एडजेक्टिव हो सकता है और हेडवर्ड हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई डिटरमिनर यूज हुआ है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल, हम मान सकते हैं कि ये जो आर्टिकल द यूज हुआ है इसको डिटरमिनर हमने मान लिया द। अब कोई क्या इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्लेवर, ये क्या है, एडजेक्टिव, और उसके बाद फॉक्स, ये हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, द अ क्लेवर फॉक्स। यहां क्या हो जाता उस कंडीशन में, अ क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, ब्रदर इज योर इन क्लास माई यंगर। यहां पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहां। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट में हमारा डिटरमिनर यूज हो सकता है, एडजेक्टिव यूज हो सकता है, हेडवर्ड यूज हो सकता है, इतना तो हमको सब्जेक्ट में यूज हो सकता है, इतनी चीजें सब्जेक्ट में यूज हो सकती हैं। हम देखते हैं दिए गए जो जंबल वर्ड्स या डिसऑर्डर के सेंटेंस जो हैं, वर्ड्स हैं ये क्रमागत तरीके से या सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं। तो हम इसमें माई हमको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनर। हम ये कह सकते हैं माई हमारा क्या बन जाएगा, डिटरमिनर, और यंगर हमारे लिए एडजेक्टिव बन जाएगा। तो माई यंगर और ब्रदर हमारा हेडवर्ड हो जाएगा, तब सब्जेक्ट हमारा ये बन जाएगा माई यंगर ब्रदर। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर
ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, अब देखते हैं इज हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, लेकिन यहां पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं हुई क्योंकि कोई दूसरी मेन वर्ब यहां यूज नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं इज जो है ये हमारा टू बी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है। तो माय ब्रदर इज, मेरा भाई है, और कहां, इन योर क्लास, इन योर क्लास, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है ये प्रॉपर सीक्वेंस में जब एडजस्ट किया तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, माय यंगर ब्रदर इज इन योर क्लास। देखते हैं कोई दिए गए वर्ड्स का कोई वर्ड छूटने तो नहीं पाया, तो हम काउंट कर लेते हैं वर्ड्स कितने यूज हुए हैं हमारे सेंटेंस में, 1 2 3 4 5 6 7, देख लेते हैं कि जो वर्ड्स दिए गए वो कितने थे, 7 ही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ 8 वर्ड्स यूज हुए हों और कोई वर्ड हमारा मिसिंग हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेम वर्ड्स दिए गए। आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं, पेंसिल से इन वर्ड्स को आप नंबरिंग कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, द क्लिवर इज क्रो अ बर्ड आ, तो आप ये कह सकते हैं द क्रो इज अ क्लिवर बर्ड, द क्रो, द क्रो, यहां पर क्रो जो है वो प्रॉपर नाउन में यूज हुआ है, द क्रो, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं, कौवे का कोई नाम तो यहां दिया नहीं गया, केवल कावे से पूरी जाति का बोध होता तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रो है ये कॉमन नाउन हम मानकर इसका यूज कर रहे हैं, इसीलिए कॉमन नाउन के पहले द यूज कर लिया गया है, द क्रो, द क्रो इज अ क्लेवर, द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, कावा जो है वो एक चालाक पक्षी है। अगला देखते हैं, अब काउंट कर लेते हैं वर्ड, सेम वर्ड हैं कि नहीं, कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं, तो हम पाते हैं कि ऊपर 6 वर्ड्स दिए गए हैं, तो जो हमने सीक्वेंस बनाया उसमें भी देख लेते हैं 6 वर्ड्स यूज हुए हैं कि नहीं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अदर्स नॉट लाफ वी एट इस, सॉरी शुड, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या बनेगा, वी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, हम वी को सब्जेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं, तो वी हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब वी के बाद हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो यहां पर शुड आया है, तो वी शुड, वी शुड, और चूंकि सेंटेंस निगेटिव है, नॉट भी यूज हुआ है, तो वी शुड नॉट लाफ, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है ये प्रॉपर सीक्वेंस में एडजस्ट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया गया दिए गए वर्ड्स की मदद से, या दिए गए वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया गया। अगला देखते हैं, माय मी डिनर फ्रेंड इन्वाइटेड टू हैव, तो यहाँ पर हम देखते हैं माई फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं यूज हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि दिए गए वर्ड्स में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है जिसका नाम है हैज, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, हैज, तो माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड, अब हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो सकती है, तो माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड, इन्वाइटेड मी टू डिनर, काहे के लिए, टू डिनर, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू डिनर, मेरे मित्र ने मुझे डिनर के लिए आमंत्रित किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, स्टूड माई फर्स्ट ब्रदर हिज क्लास इन, तो माई हिज स्टूड माई फर्स्ट ब्रदर
हिज क्लास इन, तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं माई ब्रदर। सब्जेक्ट किसको बनाते हैं? माई ब्रदर को, माई और ब्रदर। ये माई ब्रदर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो जब हम इसको प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करके लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारा माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब हम लिखेंगे वर्ब, दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी होगी, लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, तो माई ब्रदर हम मेन वर्ब लिखेंगे जो कि है स्टूड। माई ब्रदर स्टूड, माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट इन हिज क्लास। कहाँ? इन हिज क्लास, अपनी क्लास में मेरा भाई फर्स्ट आया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जिनको प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया गया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जिन्हें देख लेते हैं हम चलते चलते। शुड योर डू ड्यूटी यू वेल, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या हो सकता है, तो शुड हो नहीं सकता। अगर योर को आप सब्जेक्ट का पार्ट मानेंगे तो उसके साथ कोई हेडवर्ड चाहिए, तो हेडवर्ड यहाँ केवल एक मिल रहा है यू, यू के अलावा कोई दूसरा हेडवर्ड इससे प्राप्त हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा यू, तो सब्जेक्ट हमारा यू होगा। तो सेंटेंस हम लिखेंगे यू, अब यू के बाद हम देखते हैं दिए गए सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल रही है, तो डू तो हमारी मेन वर्ब होगी क्योंकि यहाँ पर डू को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मान सकते क्योंकि शुड यहाँ ऑलरेडी यूज हुआ है। अगर शुड ना यूज होता तो हम एक बार सोच सकते थे कि डू हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, यू के अकॉर्डिंग डू हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो हम लिखेंगे यू शुड, यू शुड, अब डू हम यूज करेंगे मेन वर्ब के तौर पे, तो यू शुड डू योर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी वेल, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी ठीक से करनी चाहिए। तो देख लेते हैं कोई वर्ड ऊपर दिए गए जो वर्ड्स हैं उनमें से कोई वर्ड हमारा कहीं मिसिंग तो नहीं, छूटने तो नहीं पाया, तो हम या तो नंबरिंग कर लें तब हमें क्लियर रहेगा कि कोई वर्ड हमारा छूटा नहीं, या हम जो सेंटेंस बनाए हैं मीनिंगफुल उसके वर्ड्स को काउंट कर लें और ऊपर वाले वर्ड्स को काउंट कर लें दोनों सेम हैं कि नहीं। तो हम नीचे काउंट कर रहे हैं 336, नीचे मीनिंगफुल सेंटेंस में हमारे 6 वर्ड यूज हुए हैं, तो हम देख लेते हैं ऊपर दिए गए जो वर्ड्स हैं वो भी 6 ही हैं, कहीं उससे कम ज़्यादा तो नहीं। तो हम पाते हैं ऊपर भी दिए गए जो वर्ड्स हैं वो भी उनकी संख्या भी 6 है, तो हम ये कह सकते हैं ऊपर दिए गए वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हमारा इस सेंटेंस में मिसिंग नहीं है। आइए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है न्यू कार आ बाट फादर माई ईयर दिस, तो हम यहाँ पर माई फादर बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा माई फादर। तो हम लिखेंगे जब इसको प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करके तो सेंटेंस हमारा बनेगा माई फादर, माई फादर। अब देखते हैं सब्जेक्ट हमारा पूरा हुआ, अब देखते हैं हम प्रेडिकेट में, क्योंकि हमें पता है कि प्रेडिकेट या तो वर्ब से शुरू होगा हमारा या हेल्पिंग वर्ब से, तो माई फादर यहाँ पे बाट मेन वर्ब के तौर पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे आई है। अब देखते हैं कि कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं हुई है, तो यहाँ हम पाते हैं कि दिए गए वर्ड्स में कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो माई फादर बाट, माई फादर बाट अ न्यू कार, बाट अ न्यू कार, माई फादर बाट अ न्यू कार, मेरे पिताजी ने खरीदी अ न्यू कार, एक नई कार, और कब? दिस ईयर, दिस ईयर, माई फादर बाट अ न्यू कार दिस ईयर, इस साल मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदी। अब आगे देख लेते हैं,
मैच कर लीजिए चाहो तो आप, कि कहीं कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है। तो हम देखते हैं 4 4 8 टोटल 8 वर्ड्स दिए गए थे। तो जो हमने सेंटेंस बनाया है रीअरेंज करके, उसमें भी हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे 8 वर्ड यूज़ हुए हैं कि नहीं। तो काउंट करने के बाद हमें पता चला कि 8 वर्ड हमारे सेंटेंस में भी यूज़ हो चुके हैं। इट मीन्स कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं है। आगे देखते हैं, टीचर बी रेस्पेक्टफुल शुड वी टू द। तो सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हेड वर्ड क्या है। तो हेड वर्ड हमारा है वी। अब वी के साथ देख लेते हैं, हम कोई एडजेक्टिव तो नहीं यूज़ हुआ, कोई डिटरमिनर तो यूज़ नहीं हुआ, तो ना तो इसमें कोई क्वालिफायर हमारे यूज़ नहीं हुआ हेड वर्ड के साथ। तो हम कह सकते हैं कि वी शुड अब हम देखते हैं, वी हुआ हमारा, शुड हुआ हमारा, अब हमको चाहिए वर्ब। तो वी शुड बी, यहां पे बी भी आया है, तो वी शुड बी रेस्पेक्टफुल और किसके प्रति, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू द टीचर, टू द टीचर, हमारे जो भी टीचर हैं उन द टीचर, यहाँ पे टीचर को हमने कॉमन नाउन बनाकर यूज़ किया है। द टीचर मतलब टीचर की जो भी श्रेणी हो उस सब का हमें सम्मान करना चाहिए। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू द टीचर। अगर कहीं यहाँ पे आवर यूज़ हुआ होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर, फिर उस कंडीशन में द यूज़ नहीं होता। आगे देखते हैं, द ब्यूटीफुल आ पेंटेड पिक्चर हैज। तो हम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ हमारा शुरू में ही मिल जा रहा हमको सी। तो हम लिखेंगे सी। अब सी के बाद हमको देखना है कि कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं यूज़ हुई, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पूरा हुआ। तो हम पाते हैं कि यहाँ हैज जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। तो सी हैज़, अब जब हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो ये तय है कि जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो सी हैज़ पेंटेड क्या, ब्यूटीफुल, लेकिन उसके पहले आर्टिकल यूज हुआ है। तो हम आ ब्यूटीफुल सी हैज पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर और इस तरह दिए गए वर्ड्स की मदद से हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया। हम फिर एक बार काउंट कर लेते हैं कि कहीं वर्ड्स हमारे कम ज़्यादा तो नहीं हैं। तो हम पाते हैं कि 6 वर्ड्स यूज़ हुए हैं क्वेश्चन में, और जो हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है, उस सेंटेंस में भी देख लेते हैं कि सेम वर्ड्स हैं कि नहीं। तो हम पाते हैं कि हमारे सेंटेंस में भी 6 वर्ड यूज़ हुए। दो तरीके होते, या तो आप नंबरिंग कर लीजिए, या आप सेंटेंस बनाने के बाद काउंट कर लीजिए कि कहीं कोई एक आधा वर्ड आपका मिसिंग तो नहीं। होता क्या है कि आप बिना काउंट किए अगर सेंटेंस बना लेते हैं तो उसका एक आध पार्ट कोई होता वो छूट जाता है, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाता। आगे देख लेते हैं, बेस्ट द इज पॉलिसी ऑनेस्टी। तो ये एक कोटेशन ही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है ईमानदारी है वो हमारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, सबसे अच्छी नीति होती है ऑनेस्टी। और जब ऑनेस्टी लिखेंगे तो ऑनेस्टी कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी को एज अ नाउन मान के, सब्जेक्ट मान के उसका वर्णन किया गया है। ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और चूंकि बेस्ट सुपरलेटिव है, उससे पहले हमेशा द यूज होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
अब ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल हो गया। आगे देख लेते हैं, गुड इज हेल्थ फॉर स्विमिंग। तो जब पाठ आप सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे तो उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट आपका जीरण भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि स्विमिंग, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बना लिया गया। आप ये कह सकते हैं ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये किस फॉर्म में है, जीरण फॉर्म में है। तो हम स्विमिंग को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। स्विमिंग हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा स्विमिंग इज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब की तरह वर्ब टू की ये फॉर्म है, सॉरी बी की, टू बी की ये फॉर्म है इज। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग जो है या तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरह ये कुछ सेंटेंस दिए गए थे बोर्ड पे, जिनकी मदद से हमने वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया। हाई स्कूल सिलेबस में आपका 2 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन ही ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है, वहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं और उन वर्ड्स को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप रीअरेंज द सेंटेंस समझ पाए होंगे। अगर आपने ठीक से सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट्स के पार्ट्स के बारे में जान लिया तब आपको सेंटेंस रीअरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।